तो यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम है क्या? एक्चुअली यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम यूक्लिड डिविजन्स लेमा का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। बोल सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा टाइम्स, मोर देन वन टाइम्स, अगर यूक्लिड डिविजन्स लेमा का यूज करते हैं तो उसे यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम बोल सकते हैं। सपोज हमने पिछले वीडियोज में देखा कि अगर 3 से 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड डिविजन्स लेमा। क्लियर है? यानी 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये हो गया यूक्लिड डिविजन्स लेमा। लेकिन यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम के अंदर क्या करेंगे? अगर यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम की बात करते हैं तो ये डिवीजन एक से ज्यादा टाइम्स होना चाहिए। तो एक से ज्यादा टाइम डिविजन्स किस फॉर्म में होता है? एच सी एफ के फॉर्म में होता है। अगर वही हम बात करें कि एच सी एफ ऑफ 3 एंड 7, ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे वापस 7 को, पहला फॉर्म आया, तो इसको स्टेप 1 के फॉर्म में ले लेते हैं। सपोज दैट स्टेप 1, ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमने क्या यूज किया? यूक्लिड डिविजन्स लेमा, यानी कि 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। ओके, लेकिन एचसीएफ में जब तक डिवाइड, सॉरी, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि r does not equal to 0, r 0 नहीं है। If r does not equal to 0, then r is divisor। अगर r 0 नहीं होगा तो r क्या हो जाएगा? Divisor हो जाएगा। यानी कि यहां पे r क्या बचा है? r is equal to 1, तो बोल सकते हैं b इज इक्वल टू 1। और डिवाइजर कन्वर्ट इनटू डिविडेंट, बोल सकते हैं डिवाइजर डिविडेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहां पे 1 से डिवाइड करेंगे 3 में, 3 टाइम्स डिवाइड हो गया। ओके, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो इसको स्टेप 2 के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? वापस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड डिविजन्स लेमा। तो क्या लिख सकते हैं? 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, जो डिवाइजर होता है, b क्या है? 1 है, जो डिवाइजर होता है वही ए सी एफ हो जाता है, यानी कि ए सी एफ इज इक्वल टू 1। ये ए सी एफ 1 किसका है? तो लिख दीजिए ए सी एफ ऑफ 1 and 3 is 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3 और 7 का एचसीएफ हो गया 1। तो ये हो गया यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम, क्योंकि लेमा को बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ। अगर बुक में देखा जाए तो डिफाइंड ऐसे कर देता है कि वी अप्लाई द यूक्लिड डिविजन्स लेमा इफ वी अप्लाई यूक्लिड डिविजन्स लेमा एंड आर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है,
अगर अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और आर का वैल्यू जीरो नहीं होता है, क्योंकि जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे आपको पता है कि आर का वैल्यू बी से छोटा या सॉरी जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो आर का वैल्यू जब भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, आर कन्वर्ट इनटू बी यानी डिवाइजर और बी कन्वर्ट इनटू ए यानी डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन, ओके। अगर आर का वैल्यू जीरो नहीं होता है तो आर को बी मान लेते हैं, बी को ए मान लेते हैं और वापस यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद भी सपोज इसके बाद भी आर इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई अगेन, यही प्रोसेस वापस से अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई अगेन, बात समझ आ गई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ओके। चलिए तो यहां पे है इफ सॉरी एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 176 एंड 38220। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 176 इज लेस देन 38220 यानी बी इज इक्वल टू 176 एंड ए इज इक्वल टू 38220, क्योंकि हमेशा छोटा से ही बड़ा में डिवाइड किया जा सकता है। तो 176 डिवाइडेड 38220 टू टाइम्स, वन टाइम्स 176 ये हमारे पास रहा 2 और ये 1, ओके। अब बचा 2 यानी 7 टाइम्स, तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 28। तो लिख सकते हैं स्टेप 1 यहां पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर को लिख देते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या लिखते हैं, आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 38220 एंड बी इज इक्वल टू 176 इंटू 217 और रिमाइंडर है 28। तो यहां लिख दीजिए इफ आर डज नॉट इक्वल टू जीरो देन अप्लाई अगेन यूक्लिड डिविजन्स लेमा, वापस अप्लाई कर रहे हैं। हमने बताया रखा थी आर जो होता है वो बी का फॉर्म होता है, बी इज इक्वल टू 28 और जो बी होता है वो ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 176। तो वापस अप्लाई करते हैं हम लोग, तो 28176, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना टाइम से में जाएगा, 6 वापस 8, तो वापस नहीं अप्लाई हुआ। देखिए यहां पे स्टेप 2 के अंदर देखते हैं, रिमाइंडर वापस आ गया,
यानी वापस डिविजिबल नहीं हुआ। जब तक तो डिविजिबल नहीं होता सेम प्रोसेस चलता रहेगा। स्टेप टू में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वी अप्लाई द यूक्लिड डिविजन्स लेमा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है 176 और बी इज इक्वल टू 28 6 प्लस 8, क्लियर है। तो जब वापस अप्लाई किए नहीं हुआ तो यहां पर लिख सकते हैं इफ आर डज नॉट इक्वल टू 0, सेम प्रोसेस, देन अप्लाई अगेन यूक्लिड डिविजन्स लेमा, वापस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू क्या होगा, जो डिवाइजर होता है 28, और बी का वैल्यू क्या होगा जो रिमाइंडर होता है यानी 8, क्लियर है, बात समझ आ रही है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, देखते हैं, फिर वापस प्रोसेस नेक्स्ट। तो 8 से डिवाइड कर रहे हैं 28 को, क्लियर है, कितना 3 times 24, कितना है 4। स्टेप 3 क्या हुआ, वापस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वी अप्लाई द यूक्लिड डिविजन्स लेमा। ठीक है, ए का वैल्यू हमें पता है, बी इज इक्वल टू 8, क्यू इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 4। ठीक है, वापस नहीं हुआ आर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन अप्लाई अगेन, ठीक है, तो क्या होगा, आपस ए का वैल्यू 8 एंड बी इज इक्वल टू 4, क्लियर है, ए का वैल्यू 8, बी इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आते हैं, अब 4 से वापस डिवाइड कीजिए 8 को, ठीक है, 2 times 8 डिवाइड हो गया। तो स्टेप 4 में जाके ये चीजें कंप्लीट हो गई, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिविजन्स लेमा, देन 8 इज इक्वल टू 4 into 2, रिमाइंडर क्या बचा 0। इफ आर इज इक्वल टू 0, आर का वैल्यू अगर 0 हुआ तो जो बी है वही एच सी एफ होगा, तो बी क्या है, बी इज एच सी एफ ऑफ, ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी इज इक्वल टू 4, जहां पे जिससे वो डिविजिबल हो जाए वही एच सी एफ है, तो 4 से डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है, तो 4 इज एच सी एफ ऑफ 176 एंड क्या था 38220, क्लियर है। तो यहां पे 4 एच सी एफ आया, तो यही प्रोसेस हम बार बार यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोल सकते हैं यूक्लिड डिविजन्स लेमा, बात समझ आई, सॉरी यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम, क्योंकि लेमा को बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन यूज कर रहे हैं, तो यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगा, कोई ज्यादा लोड है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432, ठीक है, तो वापस देख लेते हैं, अगर आप चाहें तो जो एचसीएफ है डिवाइड है वो रफ में भी कर सकते हैं, और जो स्टेप्स है वो फ्रंट में लिख दीजिए, जैसे अपन इस क्वेश्चन के लिए करने वाले हैं। तो हमें पता है कि 960 इज ग्रेटर देन 432, पहले ये नोट कर लेते हैं अपन, तो यानी जो छोटा रहता है उसी से बड़े को डिवाइड करेंगे, है ना, तो 2 times, चलिए ठीक है,
तो स्टेप वन यहाँ पे लिख दीजिए, स्टेप वन, ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अप्लाइड यूक्लिड डिविजन्स लेमा। ए का वैल्यू हमें पता है 960, बी इक्वल टू 432 इंटू 2 प्लस 96, ठीक है, लिख लीजिए। इफ आर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, आर का वैल्यू 0 नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, वापस वही करते हैं ना, डिवाइड कर लीजिए, ओके, तो 4 टाइम्स में चला जाएगा, 5 टाइम्स में तो नहीं जाने की सर, 4 टाइम्स, कितना है 48। इफ आर डज नॉट इक्वल टू 0 देन वापस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिविजन्स लेमा यूज करते जाओ। क्या है यहाँ पे 4 3 2, ठीक है, बी क्या रहेगा, रिमाइंडर हो जाता है, कोशेंट यहाँ पे आया हुआ है, रिमाइंडर आया है 48, ठीक है। अब 48 से वापस डिवाइड करो 96 इन 2 टाइम्स, ओके, हो गया। जब हो गया तो देख लो, स्टेप 2 तो ये था ही, यहाँ पे लिख भी सकते हैं स्टेप 2, और स्टेप 3 में देख लेते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिविजन्स लेमा। इसके अंदर क्या आया आपके पास, ए का वैल्यू है 96, बी इक्वल टू 48 इंटू 2 प्लस, तो किससे डिविजिबल हो गया, 48 से, तो लिख सकते हैं 48 इज एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ है, 960 एंड 432 का, ओके। तो इस तरह से और भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन द डिवाइस 969 एंड 2059 गिव्स द रिमाइंडर 9 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि वो कौन सी लार्जेस्ट नंबर है जिससे 969 और 2059 को डिवाइड करने पर 9 और 11 बचे रहेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर वो रिमाइंडर बचे ही नहीं, ठीक है, अगर वो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 और 11, अगर उसी को माइनस कर देते हैं 969 को में से, सपोज 969 में से 9 को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आया 960 ये तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, और दूसरा है 2059, अगर इसमें से 11 माइनस कर देते हैं तो जो भी नंबर बच रहा है ये भी पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। जो बच रहा था, जो रिमाइंडर बच रहा था उसको तो हमने हटा दिया, यानी ये जो नंबर है दोनों जिस नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल होगा वही नंबर से ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9 और 11 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, ये डिवाइड हो जा रहा है, इसमें 9 बढ़ा दो तो 9 रिमाइंडर बच गया, ये डिवाइड हो रहा है इसमें 11 बढ़ा दो तो 11 रिमाइंडर बच गया, है कि नहीं, बात समझ आ रही मेरी। तो यानी इन दोनों को डिवाइड कौन करेगा, एचसीएफ, क्यों भाई, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसी भी नंबर को कौन डिवाइड करता है जो उसका कॉमन रहता है, दो नंबर को डिवाइड करता है तो दोनों का कॉमन जो रहेगा वो दोनों को डिवाइड करेगा, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन है वो हम निकाल लेंगे, चाहे आप किसी भी तरह से निकालिए, आप डिवाइड करके निकालिए, फैक्टर मेथड से निकालिए, आप जिधर से भी निकालना चाहे निकालिए, अगर उससे एचसीएफ निकाल देखते हैं तो उससे ये दोनों डिविजिबल हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 960 एंड 2048, क्लियर है। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकलेगा वो उससे 960 भी डिवाइड होगा, 2048 भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा, और उस
और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर बचेगा, बिकॉज रीजन ये है कि उस ये डिवाइड हो रहा है तो इसमें 9 बढ़ा देंगे, ये डिवाइड हो रहा है इसमें 11 बढ़ा देंगे, तो इसीलिए तो हमने माइनस किया हुआ है। तो ये सी एफ निकालना तो आप जानते हैं सिंपली, है कि नहीं, 960 से डिवाइड करेंगे 2048 को, क्लियर है कि नहीं, टू टाइम्स। ये तो पूरा डिवाइड हुआ ही नहीं, ठीक है, तो स्टेप लिख लेते हैं चाहे तो, अच्छा इसमें तो कोई जरूरी है नहीं क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन से एल्गोरिथम को यूज करने हाँ लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ए का वैल्यू हमें पता है 2048, बी इज इक्वल टू 960 प्लस 2 इंटू 128, तो हमें पता है इफ आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 128, 0 तो रहा नहीं, तो 0 नहीं रहा तो वापस डिवाइड करेंगे, है ना, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो वापस स्टेप टू में आ जाते हैं, स्टेप टू में क्या करेंगे, वापस वही ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेम प्रोसेस, क्योंकि जब तक पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जाता यही करते चलते हैं, 960 इक्वल टू 128 इंटू 7 प्लस 64, वापस लिख लो भाई, इफ आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 64, अगर आर का वैल्यू 0 नहीं है 64 है तो क्या करेंगे, यही वापस आओ भाई, तो स्टेप 30 के अंदर चलते हैं, इसको पहले डिवाइड कर लो 64 128 टू टाइम्स, क्लियर है, यहाँ पे पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। स्टेप थर्ड, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो ए क्या है 128, बी हमारे पास 64 इंटू 2, आर का वैल्यू 0, तो डिवाइड किससे हुआ 64 से, तो 64 इज ए सी एफ ऑफ 960 एंड क्या बचा है हमारे पास, टू जीरो फोर एट, तो ये इसका एचसीएफ है, यानी 64 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 969 एंड 2059 इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 9, क्योंकि इससे ये डिविजिबल हुआ 9 रिमाइंडर ज्यादा है और इससे रिमाइंडर बचेगा 11, तो जो आंसर होगा वो होगा 64। तो क्वेश्चन क्या बोला है, बाई यूजिंग लार्जेस्ट 64 इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, विच वेन डिवाइड, ठीक है, 969 एंड 2059, ठीक है,
gives remainder 9 and 11 respectively. ओके तो ये कर सकते आप चाहे तो. देखो क्या है, टू टैंकर कॉन्टेंट 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच आर कैन द मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एचएट नंबर ऑफ टाइम्स. बोला एक दो टैंकर है 850 लीटर का, 850 लीटर का, 680 लीटर का पेट्रोल टैंकर है. बोला है कि मैक्सिमम कैपेसिटी के कंटेनर से, मतलब मेजरमेंट थिंग्स कुछ भी ले लीजिए, उससे हम पेट्रोल निकाल रहे हैं तो एग्जैक्टली आना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर में आना चाहिए, कम बेसी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम नहीं. तो इसके लिए क्या होगा, वो पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए. अगर 10 लीटर का लेते हैं तो 85 टाइम्स में और 68 टाइम्स में निकल जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम यानी सबसे मैक्सिमम, 10 से भी ज़्यादा अगर कुछ होगा उससे देखते हैं, है ना. 170 टाइम्स में भी हमें लग रहा है, ठीक है, 170 भी आ गया. तो वही हमें देखना है. तो इस तरह से अंदाजा तो लगा नहीं सकते हैं, तो इसी को सॉल्व करते हैं. यानी जब भी इस तरह की एग्जैक्ट फाइंड करने वाले क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मैक्सिमम नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, इस देख कर फटाफट आप एचसीएफ निकाल दीजिए. तो एचसीएफ निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि बड़ा कौन है, ये जब ये बड़ा है 850 इज ग्रेटर देन 68, तो आप वापस आते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, वन टाइम्स 170 फोर टाइम्स, ओके. और इसी को स्टेप में लिख देते हैं. स्टेप वन क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूज कर रहे हैं यूक्लिड डिविजन्स लेमा. ए का वैल्यू हमें पता है 850, किससे डिवाइड किए, 680 से, कितना टाइम्स, वन टाइम्स, रिमाइंडर बचा 170. आर का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, आर इज इक्वल टू 170. तो स्टेप वापस लगाते हैं, यही है. स्टेप टू में क्या करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे है आपके पास, ठीक है, बी का वैल्यू 174 0, रिमाइंडर हो गया आर इक्वल टू 0. तो एचसीएफ ऑफ 170 इज एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680, 170 एचसीएफ हो गया. तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर एचएट नंबर ऑफ टाइम्स. तो आंसर देख दीजिए, 170 लीटर इज मैक्सिमम कैपेसिटी. ऑफ ए कंटेनर, ओके, विच कैन मेजर, आप जो आंसर बोल रहा है लिख दीजिए, द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर. ओके क्लियर है. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अपन करते हैं, बहुत आसान है, कोई लोचा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन करने में, आराम से देखिए आप निकाल सकते हैं. ओके चलिए अब आते हैं कि एचसीएफ ऑफ 3 नंबर बाय यूजिंग द यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम. ये तो हमेशा 2 डिजिट देखे, अब 3 डिजिट देखेंगे. ओके okay?
देखिए ए सी एफ ऑफ थ्री नंबर बाई यूजिंग द यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम। ओके, तो यहां पे तीन नंबर है, इसका ए सी एफ निकालना है यूक्लिड डिविजन लेमा को यूज करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। तो इसमें भी पहले अरेंजमेंट करेंगे, तो सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। ओके, तो पहले तो कोई दो नंबर पिक करते हैं। मान लो कि हम पिक कर रहे हैं 180 एंड 252, तो इन दोनों का एचसीएफ पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका आपको पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो इन दोनों का एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। कोई उसी तरह जैसे पहले हम एचसीएफ निकालते आए, सेम उसी तरह एचसीएफ इसका भी निकाल लेंगे। क्लियर है? तो इसका हमने एचसीएफ निकाल लिया, कितना आया 36। तो इसी को स्टेप में लिख देंगे, स्टेप वन सेम प्रोसेस। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूज यूक्लिड डिविजन्स लेमा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस पे आप चलते जाइए। आप चाहे तो वीडियो को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। फिर वही लिखेंगे, आर जीरो नहीं है, आर का वैल्यू है आपके पास 72, तो स्टेप टू वापस बनाते चले जाएंगे। ठीक है, 180 इज इक्वल टू 72 इंटू 2 प्लस 36, वापस लिख लो। ये भी यूक्लिड डिविजन लेमा का यूज किया हुआ है, वापस लिख लेते हैं, आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 36। स्टेप थर्ड में देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास है 72 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 0, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो 36 इज ए सी एफ ऑफ कितना 180 एंड 252। क्लियर है? तो इन दोनों का ए सी एफ आया। अब ये ए सी एफ जो आया और जो थर्ड नंबर है, उन दोनों को ले लेंगे, यानी इन दोनों के बीच अब ए सी एफ निकाल लेंगे। जो ए सी एफ हमारा फाइंड हुआ और जो नंबर बचा हुआ है ना, तो बोल सकते हैं क्या कि एचसीएफ ऑफ एचसीएफ किसके किसके बीच, 36 एंड 324 के बीच। क्लियर है? इसके बीच एचसीएफ लेंगे तो वापस डिवाइड करो, है ना, 36 से किसको डिवाइड करना है, 324 को। ठीक है, नाइन टाइम्स, वो पूरी तरह से हो गया डिवाइड। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि 36 हो गया। और यूक्लिड डिविजन लेमा हम यूज कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और स्टेप फोर का नाम दे दो इसको, स्टेप फोर। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारे पास है 324, बी इज इक्वल टू 36, क्यू इज इक्वल टू 9, और आर इज इक्वल टू 0। अगर आर का वैल्यू 0 हो गया तो ए सी एफ भी 36 हो जाएगा। तो 36 इज, यहाँ लिख लो, नहीं आ रहा है, 36 इज ए सी एफ ऑफ किसका, सारे नंबर का, 180 252 एंड 324। तो इस तरह से थ्री डिजिट का एचसीएफ हम फाइंड कर सकते हैं। एजीवीस बहुत आसान है, बट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट इन ग्रुप ए बी सी रिस्पेक्टिवली बसेज आर टू बी हायर्ड to take them for the field trip.
Find the minimum number of buses to be hired if the same number of students should be accommodated in each bus. तो यहाँ पे तीन ग्रुप बनाए गए हैं ए बी सी. फर्स्ट ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, अगर देखा जाए फर्स्ट ग्रुप में तो वन. ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट है, ए के अंदर 156, बी के अंदर 208 एंड सी के अंदर 260. ये तीन ग्रुप बनाए हैं, ठीक है. और कितना कम से कम बस हायर किया जाए, मिनिमम नंबर ऑफ बसेस. तो कम से कम बस हायर करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एक बस में आएंगे तो नंबर ऑफ बसेस कम हो जाएगी. यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच बस, एक बस में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट. लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे बस में इक्वल स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है. और एक और कंडीशन है कि किसी भी बस में एक कम ना एक ज्यादा होना चाहिए. यानी जो भी नंबर आना चाहिए वो कॉमन आना चाहिए. कॉमन नंबर आएगा तो इक्वल आ जाएंगे. तो बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ. तो इन तीनों का अगर एचसीएफ निकाल लेते हैं तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये, ठीक है. तो सबसे पहले 156 में ले लेते हैं, 156 ग्रेटर देन 208. इसको सॉल्व करो, ठीक है. ओह सॉरी 52. ओके 52. तो रिमाइंडर आ गया 52. इसको भी वापस चेक कर लेते हैं, 3 times 156, ठीक है. और 52 और 206 को वापस देख लेते हैं, कितना गया, 5 times. यानी एचसीएफ क्या आ गया, 52. तो 52 अगर स्टूडेंट एक बस में बैठाए जाते हैं तो सारे बस में इक्वल स्टूडेंट हो जाएंगे. हमें बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बसेस. तो सबसे पहला स्टेप सॉल्व कर लो, उसके बाद हम देखते हैं. वापस प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है. तो सारे क्वेश्चंस में यही लेमा यूज हुआ है तो आप इसको स्किप कर भी सकते हैं, ठीक है. तो मैं तो समझा दे रहा हूँ, 208 इक्वल टू बी क्यू प्लस 52. आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर का वैल्यू कितना आया है, 52. वापस देख लो, 156 इज इक्वल टू 52 इंटू 3 ओके प्लस 0. अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि इन दोनों का तो हो गया, ठीक है. अब इनकी बारी, यहाँ पे है 260, बी का वैल्यू हमें पता है
यू का वैल्यू भी पता है, आर इज इक्वल टू जीरो। अगर आर जीरो हुआ तो इन सबका इस कॉमन फैक्टर एच सी एफ ऑफ 156 208 एंड 260 कितना इस सबका एच सी एफ आया है 52। ठीक है, तो 52 स्टूडेंट एक बस में बैठाने हैं आपको। तो एक बस में अगर 52 स्टूडेंट बैठाने हैं तो जरा सोचिए, तो 156 स्टूडेंट के लिए कितने बसेस लगेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ बसेस काउंट करते हैं अपन, नंबर ऑफ बसेस। ओके, तो हमारे पास है 156 स्टूडेंट, एक में 52, थ्री बस लग जाएंगे इसके लिए। और 208 के लिए कितने बस लगेंगे, 4। ठीक है, और 260 के लिए कितने बस लगेंगे, 5। तो टोटल बसेस कितने हो गए अगर देखा जाए, नंबर ऑफ बसेस किधर गया यार, टोटल बसेस कितने होंगे, 3 + 4 + 5, यानी टोटल बसेस कितने होंगे, 12। तो कम से कम 12 बस चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट एक बस में कितने आएंगे, 52। तो हमारा रिजल्ट आ गया 12 बसेस। ओके, तो आज के बस वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा हम होमवर्क दे देते हैं डीपीपी, जिसको बोलते हैं दिल्ली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उसको करके आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, DPP 1। ठीक है, रियल नंबर DPP 1, ये सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स देख लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है, या तो स्टॉप करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये हमारे 12 क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे, पूरी इसकी सॉल्यूशंस दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।